गाइस, सुबह उठते हैं, सो के विस्पर करना पड़ता है। अगर मेरी थोड़ी सी आवाज अनिका को पता लग जाए तो ऐसे आके बैठती है वो मेरे पास चिपक के। अब मामा कुछ नहीं कर सकती है, मामा अब कुछ नहीं करेगी, पूरे दिन यही मामा करेगी, यही मामा का काम है। अच्छा बंद कर दो, देखो देखो मेरे को कह रही है बंद कर दो, ये भी बंद कर दो। अनिका को सिर्फ मामा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ना यही मजे की चीज है, मतलब मॉम लाइफ। ये ऐसे कोई उठता है, प्यार करता है, कडल करता है आपके साथ, पूरे दिन रहना चाहता है एक बेबी। और खुशबू जो आती है ना बेबीज के वास्ते, पता नहीं कहाँ से आती है यार, ये बेबी खुशबू बहुत अच्छी होती है। देखो अनिका क्या कर दिया, मेरे को कह रही है कि नोजी नोजी करो। ये अनिका का और मेरा होता है नोजी, ऐसे 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 करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन होती है जो मामा चेक भी नहीं कर पाती है अनिका की वजह से। दूध पी लिया? नहीं पिया अनिका ने अभी, दूध नहीं पिया है उसका, सवेरा ही हुआ है। पहले उसको लॉट ऑफ कडल्स चाहिए। ये दूध की बोतल यहाँ पे रखी है, अनिका ने साइड कर दिया। और आज मैंने बनाए हैं छोले और मैंने आटा गूंद के रखा है, तो मुझे कंफ्यूजन है कि मैं पूरी बनाऊं कि पराठा। पूरियां मैंने बहुत महीनों से नहीं खाई हैं, तो बहुत क्रेविंग हो रही है दो चार दिन से। पर फैट पूछो मत, दो पूरी खा के भी चढ़ जाता है, पर कोई बात नहीं, घर पे ही रहना है। तो देखते हैं मैं पूरी बनाती हूँ कि पराठा, वो मैं सोचूंगी। लेकिन अभी तो अनिका अभी उतर नहीं रही है, तो अभी अनिका और मेरा कडल है। और अनिका कल भी पूरे दिन मेरे ऊपर ही बैठी थी, कभी कभार ही अपने आप खेलती थी, पर अब इसको इतना खेल लिया ना मम्मा ने इसके साथ, तो अब इसको लग रहा है कि मम्मा के साथ ही बेस्ट प्ले होता है, तो यहीं पे बैठना ही है। देखो क्या कर रही है, ये मेरी चेन तोड़ना चाहती है ना, उसको बहुत फैसिनेट होती है हर चीज, तो यही सब है। गुल्लू से मामी, से मामी, नो से हियर, से हियर। तो गाइस मैंने कल अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया गोलगप्पा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कितना बदमाशी कर रही बेबी। देखो मैं ट्राई करती हूँ कि अनिका को मैं भेजती हूँ, हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। बाय अनिका, गो प्ले, गो प्ले, गो प्ले, गो प्ले, जाओ खेलो जाके, गो 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 प्ले। कितनी बदमाश है, हंस रही है कि इसकी एविल लाफ है, क्योंकि उसको मालूम है मैं तो जाने वाली नहीं हूँ, मम्मी ऐसे ही बोल रही है। बाय बाय, गो प्ले। अपने आप को पीछे पुश कर रही है ताकि मम्मी आगे ना उतारे, उतार रही तक मैं आगे। देखो कितनी बदमाश है, ये फुल ऐसे कर लेगी जब तक मम्मी स्ट्रिक्टली ना बोले कि अनिका मुझे कुछ काम है या मम्मी इसको उतार के ना जाए, वरना तो यही बैठी देगी। एंड गाइस, अनिका भी मेरे सामने वाली चेयर पे बैठी है। एक्चुअली मुझे अपने वर्क स्टेशन के बगल में दोनों तरफ दो दो चेयर लगानी होती है, एक आप देख रहे हो उधर है और एक इधर मेरे सामने है। मैं आपको दिखाती हूँ अनिका की चेयर, कहाँ गई अनिका, ये रही अनिका। तो मैं एक्चुअली ऐसे इसको अपने पास बैठा के रखती हूँ ताकि मैं फुल डे इसको भी संभाल सकूं और अपना काम भी कर सकूं। यहाँ पे मेरा स्क्रीन है, एक्चुअली अभी मैं वीडियो ये पब्लिश कर रही हूँ। और मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ तो आउटफिट ऑफ द डे एज ए ब्लॉगर मैंने बहुत किया है, काफी सालों से किया है, तो आप देख रहे हो कितना कंफर्टेबल आउटफिट मैंने पहना हुआ है। एंड लाइक यू नो आई डोंट हैव यू नो एनर्जी टू चेंज माय आउटफिट राइट नाउ बिकॉज आई एम जस्ट एट होम। आई नेवर लाइक गाउन्स और कफ्तान्स और मैक्सी यू नो, पर वंस यू बिकम मम्मी, ओ माई गॉड, दिस इज द मोस्ट, तो एक्चुअली दिस इज द मोस्ट कम्फर्टेबल आउटफिट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक जिप है, एक्चुअली ये दिख नहीं रहा है, ये ब्यूटिफुल लेस है, लेकिन ये जो लेस होती है इसके पीछे एक छुपी हुई जिप है, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दिखेगा नहीं, अंदर जिप है, सी इट इज सो क्यूट। और ये एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग के काम आती है बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज को, अब न्यू बॉर्न से लेके जब तक दो साल, चार साल, पांच साल, जब तक आप दूध पिलाना चाहें, तो इसलिए ये बहुत कंफर्टेबल होता है। और साथ ही साथ लूज है, बहुत कम्फी ये है,
मतलब यू नो इट्स सो कम्फर्टेबल, रात को आपको रिलैक्स होके सोना है ना. तो आई गॉट सो हुक टू दिस गाउन्स. रणबीर के होने के बाद भी मैंने इतने गाउन्स नहीं पहने थे एज यू गाइस नो. मैंने सिर्फ डिलीवरी का टाइम गाउन पहना था. आफ्टर दैट आई वॉज बैक टू सम कुर्तास एंड ऑल द ड्रेसेस एंड स्टफ. लेकिन अनिका के टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आई वोर दीज गाउन्स. आई गॉट अ फ्यू लाइक 6-7 मैंने ले लिए थे. I got these all from India only. There is a very nice shop in Bangalore. From there I got it. तो इतने अच्छे अच्छे वहां पे मिल जाते हैं patterns. और मैंने इतने पहन लिए ना, तो इसीलिए मैंने इतने पहन लिए हैं कि अब मेरे को इतना comfortable लगता है. मतलब दिन में आप dress up हो जाओ if you're going out or if you just want to dress up at home. तो रात को सोने से पहले if you wear this and sleep ना, it's so comfortable. Like body को भी relax मिलता है tight कपड़ों में, even pants में जो ये elastic होती है lowers में, वो सब मेरे को अभी comfort नहीं लगता है. मतलब अब मुझे ऐसा लगता है ना, आई स्टिल 2 years हो गए हैं, लेकिन आई स्टिल 2 years होने वाले हैं, पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि नो एनर्जी नहीं है. वो इसलिए नहीं है क्योंकि आई एम नॉट प्रेग्नेंट, बट आई हैव अ बेबी टू टेक केयर, अ फैमिली टू टेक केयर एंड डू माई ओन बिजनेस. सो इतनी एनर्जी लगती है ना, या तो आप गिव अप करके बैठ जाओ या तो फिर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करते रहो एंड अपनी लाइफ कंटिन्यू करते रहो. तो आई मीन एक्चुअली बेबी वॉचिंग एंड बेबी सिटिंग इज सो डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी. जैसे मैं अभी आपसे बात भी कर रही हूँ तो वो सामने क्या कर रही है मैं उसको देख रही हूँ, तो इट्स सो टायरिंग. तो एट द एंड ऑफ द डे आउटफिट दिस इज माई, तो यही है, दिस इज माई बेस्ट मॉमी आउटफिट. आई लव दीज गाउन्स. लाइक मेरे पास थोड़े हैं, फ्यू कलेक्शन ही हो गया समझ लो. ये देखो कितना कम्फी है. एंड आई थिंक सिंगापुर में हॉट वेदर होता है तो उससे भी बहुत अफेक्ट करता है कि इफ यू फील कम्फर्टेबल. तो दिस इज माई आउटफिट, मॉमी आउटफिट एंड आई लव इट. ऐसे मेरे जो भी गाउन से अगर आप एज ए मदर आपने ट्राई नहीं किया या फिर प्रेगनेंसी में ट्राई नहीं किया, यू कैन ट्राई. एंड मतलब अच्छा कलेक्शन है और सस्ते भी नहीं आते यार. ये वाले गाउन्स भी अच्छे खासे महंगे आते हैं. कोई भी गाउन 1000 रुपए से तो कम था नहीं, कुछ 1000 का था, कोई कोई तो 1500-2000 का एक पीस होता है. तो आप अगर 5-6 खरीद लो तो आपके 12-15 हजार तो ऐसे ही उड़ जाते हैं. पर हाँ कंफर्टेबल बहुत है. मैंने इसका मतलब जितना भी पैसा इस पे उड़ाया उतना आई हैव टेकन इट फ्रॉम इट एंड आई लव देम. सो आप मेरे को इसमें देखते होगे बहुत ज्यादा, पर दिस इज मॉम लाइफ. सो दैट्स इट गाइज. इफ यू ऑल्सो वेयर गाउन्स और अगर आप पहनते हो तो कहाँ से कौन से अच्छे अच्छे पैटर्न्स के मिलते हैं मुझे बताना, बिकॉज आई विल लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स एंड नो एंड शॉप मोर. क्योंकि मैं थोड़े टाइम से सोच रही थी कि ये मैंने बहुत पहन लिया, मतलब प्रेगनेंसी प्लस नाउ ऑलमोस्ट तो 2-2.5 साल से पहन रही हूँ, तो मुझे अब लग रहा है कि मेरे को थोड़े से नए भी खरीदने हैं बिकॉज आई लव टू स्लीप इन देम. और ये मेरे छोले पूरी रेडी, और ये लॉन्ग बीन मुझे बहुत पसंद है. अनिका सुपर एक्साइटेड, उसको भी खाना मिल रहा है. लॉन्ग बीन बहुत पसंद है मुझे, तो मैं ये भी खाऊंगी. मुझे पूरियों के साथ बहुत पसंद है, बहुत मीन्स बहुत. तो यार ये हमारा ब्रेकफास्ट, सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिया है पर फिर भी देखना हैवी हो जाएगा. आई होप ये खा के मुझे नींद ना आ जाए. और ये अनिका के पापा ये अनिका के खाना दे रहे हैं. ये